हाँ जी मेरे दोस्तों, तो बुलेट और मैं अपने कुछ साथियों के साथ निकले थे अपने घरों से बिनसर महादेव के दर्शन के लिए, जैसा कि आपने पहले एपिसोड में देखा। और अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ पहला एपिसोड देखो, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो फाइनली हम बिनसर महादेव पहुंच चुके हैं। ये जो मंदिर है ये अभी दोबारा इसको बना रहे हैं, तो यही है बिनसर महादेव बेसिकली। वैसे तो फिलहाल मंदिर तो हम सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जाएंगे नहा धो के फ्रेश होके। तो ऊपर उन्होंने रूम्स बना रखे हैं वहाँ पे कि रात में वहाँ पे रह के अपना खाना पीने का सामान बना सकते हो। और ये हमारे आज के मेन लीड बुलेट साहब। भाई साहब इसने आज 14 किलोमीटर का ट्रैक किया है। दोस्तों 2017 में गवर्नमेंट ने इस मंदिर को तुड़वा कर नया मंदिर का काम शुरू किया था, जो कि अभी भी चल रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद बुलेट और मैं इतना थक चुके थे कि हम दोनों को तो होश भी नहीं था कि कब हमने एक नींद की झपकी भी ले ली। और फिर क्या था, अगली सुबह के इंतज़ार में हम सब ने उस रात में सोने की तैयारी की। ए कुछ नहीं है, ब्रेक मुख निकालो जरा पैर हो जो। अच्छा सरवाणो जो आठ हजार फीट की ऊंचाई पे बना भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की अपनी अलग ही खूबसूरती है। कुछ पुरानी कहानियों के अनुसार मंदिर को महाराज पृथ्वी ने अपने पिता बिंदु की याद में बनवाया था, यही वजह है कि इसे बिंदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों ने एक ही रात में बनाया था और पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास का समय गुजारा था। यहाँ के पुजारी ने बताया कि पुराने समय में लोग यहाँ जब दर्शन करते थे तो उसे जात्रा कहते थे, और ये दिवाली के 11 दिन बाद शुरू होती थी। इसमें शामिल होने के लिए लोग अपने इलाकों से पैदल आते थे और यहाँ पूजा दिन से लेकर रात भर चलती थी। और लोग यहाँ अपने नंदी यानी बैल को दान करते थे और अगली सुबह पूर्णमासी स्नान के बाद अपने घर के लिए वापसी करते थे। महादेव के दर्शन के बाद हम ब्रह्मभंगी के दर्शन के लिए निकल पड़े, जो वहां से ऊपर की पहाड़ी में था। बिनसर से हमने ऊपर के लिए ट्रैक किया था। ऊपर बिनसर से ऊपर 3 किलोमीटर का ट्रैक है, इसका नाम ब्रह्मडुंगी कहते हैं। कहते हैं यहाँ भीम सोता था, भीम के पाँव के निशान भी हैं। बट यहाँ से जो व्यू है वो अमेजिंग है यार, एक बार व्यू चेक करो। और इस साइड तो आपको पूरी हिमालय पर्वत की रेंज दिख रही होगी। पता है दोस्तों, उस ट्रैक पे ना बुलेट ने मुझे जितनी भी बार गले लगाया उतनी बार ना मुझे हम दोनों के बीच एक कनेक्शन सा फील हुआ, ऐसा कनेक्शन जिसमें हम दोनों ना एक दूसरे को समझते हैं। सुबह से हम सारे लोग इतने भूखे थे कि वहीं ब्रह्मडुंगी के पास हमने अपना नाश्ता बनाया और फिर वहां से चल दिए वापस बिनसर महादेव की ओर।
फिर बिनसर महादेव को आखिरी बार सब ने अलविदा कहा और वापस चल दी अपने बेस पॉइंट यानी पिटसैन के लिए। एक दिन पहले जो सबके चेहरे पे रौनक थी ना, वो वापस जाते टाइम सबके चेहरे से गायब थी। सीरियसली गाइस, हम में से कोई वापस नहीं जाना चाहता था, सबका यही मन था कि हम वहीं पे रुक जाएं। ओ भीगे क्या कर रहा भाई? बेटा तैरना थोड़ा है। भूगो नीचे आ, नीचे वापस जाते टाइम भी बुलेट ने अभिलाष भाई का साथ नहीं छोड़ा। एक्चुअली में अभिलाष भाई ने बुलेट का साथ नहीं छोड़ा, पता है ना क्यों? अभी गा रहे थे हम गिटार करके। अरे पागल छे तू, तू तो मजा नहीं आती। मैं आ रहा है बुबा। खाओ भी। इमेजिन कर लेना, गाना डालेंगे ना पीछे से, ऐसे मैं गा रहा हूँ। लाल बोतल क्या चीज शराबा, मुझे बड़ी खराबा। आगे तो गाओ भाई। अब तक नीचे आओ, इधर इधर इधर। कहाँ? पता है दोस्तों, ये ट्रैक मेरे लिए बहुत खास था और इसकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी, क्योंकि पहली बार बुलेट और मैंने कहीं ट्रैक किया, वो भी महादेव के दर्शन। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है।